चीज का प्रमाण है कि जब कोई कुछ करना चाहता है तो वो करके दिखाता है। इन्होंने आपसे कहा कि जब इनकी सरकार बनी तो कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार में आते ही किसानों के कर्ज माफ होंगे। सरकार में आए 3 घंटों बाद निर्णय लिया कि किसानों के कर्ज माफ होने शुरू होंगे और यही हुआ। आज सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है जहां कांग्रेस की सरकार है। नियत ठीक होती है तो बहुत काम हो सकता है। ये बात आपने यहाँ पे कांगड़ा में खुद देखी। यहाँ के विकास पुरुष जिनके पोस्टर लगे हुए हैं जीएस बाली जी, उन्होंने करके दिखाया। यशवंत परमार जी ने करके दिखाया। श्री वीरभद्र सिंह ने सालों के लिए अपने जीवन भर ये करके दिखाया। आज हिमाचल के कोने कोने में जाते हैं तो उनके बारे में हम सुनते हैं, लोग उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके लिए मेहनत की, उन्होंने आपकी क्षमता आपकी शक्ति पहचानी और उस शक्ति की कोई ऊर्जा बनाई जिसमें से उन्होंने इस प्रदेश का विकास किया। कांग्रेस ने हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, IIT बनाई, वीरभद्र सिंह जी ने गांव गांव में स्कूल बनाए, कांगड़ा को मान महत्व देने के लिए धर्मशाला में विधानसभा और सचिवालय बनाया, जीएस बाली जी ने नई नई योजनाएं लाकर खूब रोजगार दिलवाए, इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी की कॉलेज, ITI डिग्री कॉलेज, तांडा में सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज, देश की सबसे पहली इलेक्ट्रिक बस हिमाचल में चली तो कांग्रेस की सरकार में चली, रोपवेज लाए, होम स्टे की स्कीम लाए जिससे आमदनी बढ़ी जिससे रोजगार बढ़े, HSRTC प्रॉफिट में आया, नए बस स्टैंड बने, वॉल्वो की सर्विस आई, इस सब से रोजगार बनता है, कर्मचारियों का मान सम्मान रहता है। लेकिन आज की क्या स्थिति है उसे अच्छी तरह समझिए। आज भाजपा की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कर्ज में डुबाया हुआ है। 70,000 करोड़ का कर्ज है, 63,000 सरकारी पद खाली हैं, कर्मचारियों को पेंशन का टेंशन है, महंगाई की वजह से आपकी जेब खाली है, GST की मार है, किसानों को फसल का दाम नहीं मिलता। आज